बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सुमेर और आप देख रहे हैं सुमेरा सन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग ने अपने एक नए फ़ोन की अनाउंसमेंट दे दी है जिसका नाम है गैलेक्सी फ़ोन। दोस्तों ये सैमसंग का अभी तक का सबसे हाई परफॉर्मेंस सेट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अभी तक सैमसंग ने 12 GB रैम किसी फ़ोन में नहीं दी, जो इसमें आपको मिल जाएगी। सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन के अंदर आपको 12 GB रैम मिल जाएगी। दोस्तों इसमें आपको 512 की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी, और कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 6 कैमरे मिल जाएंगे। दोस्तों कैमरे के अलावा इसमें आपको और भी बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। दोस्तों सबसे अच्छी बात है ये फोल्ड वाला मोबाइल है। जैसे अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि सैमसंग का चल रहा था कि सैमसंग ऐसा एक फोल्ड मोबाइल निकालेगा जो फोल्ड होने वाला होगा, तो दोस्तों ये वही सेट है जो आप फोल्ड कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आप एक साथ आप 3-3 एप्लीकेशन चला सकते हैं। दोस्तों इसको आप ये बाकी मोबाइलों की तरह नहीं है, दो मोबाइल को जोड़ा नहीं गया है यहाँ पे आपको जब वन मोबाइल होगा तो उसमें आपको सिंगल LCD आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप उसको ऑन कर देंगे तो आपकी जो फ्रंट पे LCD है वो ऑफ़ हो जाएगी, और अंदर इसके दो LCD हैं जो फोल्ड हो जाती हैं वो ऑन हो जाएगी, और आपको कोई भी इसमें लाइन वगैरह नहीं मिलेगी बीच में दो LCD के, वो LCD ही फोल्ड हो जाती है। फिर आपको जो भी फ्रंट में आपका डेटा काम, आप कुछ भी चलाए हुए होंगे, मैप चलाए हुए या कोई एप्लीकेशन चलाए हुए, तो जैसे ही आप अपना मोबाइल खोलेंगे तो वो सारा जो डेटा है वो फ्रंट वाली अंदर वाली LCD में आ जाएगा, जो बड़ी वाली LCD है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको कैमरे का, मैंने आपको बताया था कि 6 कैमरे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से कैमरे हैं। दोस्तों इनमें से 3 कैमरे जो है वो बैक में इस्तेमाल होंगे, जिनमें से एक कैमरा जो है वो 16 MP का है जो अल्ट्रा वाइड मोड में काम आएगा पिक्चर लेने के लिए। उसके अलावा इसमें एक जो है 12 MP का है जो टेलीफोटो तस्वीरें जो है उसे लेने के काम आएगा, और उसके अलावा एक और कैमरा जो है वो भी 12 MP का है जो वाइड एंगल तस्वीरें लेने के काम आएगा, वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करने के। दोस्तों उसके अलावा इसमें आपको सेल्फी कैमरे मिल जाएंगे, सेल्फी कैमरे 2 हैं, एक 10 MP का और एक 8 MP का। उसके अलावा एक कवर के ऊपर लगा हुआ है, यानी जब आप सिंगल LCD यूज़ कर रहे होंगे इसको मोबाइल को बंद करके, जो फ्रंट पे जो LCD चल रही होगी उसके साथ आपको एक कैमरा मिलेगा, जब आप LCD को खोल देंगे तो वहाँ पर आपको 2 कैमरे मिलेंगे और बैक साइड पर आपको 3 कैमरे का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों इसके अलावा इसमें भी आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे इसमें आपको ब्लूटूथ जो है 5.0 का मिलेगा, और इसमें आपको USB Type-C मिल जाएगी, इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के सेंसर मिल जाएंगे, और उसकी दोस्तों इसमें आपको 2 बैटरियाँ मिलेंगी जिनका टोटल पावर जो है वो तकरीबन 4380 mAh है, और इसमें आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी, 18 वॉट की आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा आपको इसमें सिम लगाने की सहूलत मौजूद है, नैनो सिम इसमें लगेगी। दोस्तों यानी ये एक मोबाइल जो है वो आप इसे टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे सिंगल मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको जब बड़ी LCD की ज़रूरत हो तो आप इस मोबाइल को ओपन करके यानी खोल के आप इसे बुक की तरह ही खुलेगा, इसको आप बड़ी LCD की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट बन जाएगा आपका ये। तो दोस्तों अभी देखते हैं कि सैमसंग इसे पाकिस्तान में कब लॉन्च करता है, और अभी के लिए इतने ही। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इस फ़ोन के बारे में आपको जो भी राय हो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।